निकाय चुनाव को लेकर सहारनपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी सपा बसपा का ग्रेस सभी पार्टियों ने नए चेहरों पर दाव खेला है, लेकिन किसका दाव कितना सही साबित होगा इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर है। निकाय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां गांव सड़क शहर से होते हुए राजधानी तक की दौड़ लगा रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर राजनीतिक समीकरण बैठाने की कोशिश शुरू कर दी है। तो वहीं अभी भी सपा और आरएलडी आपस में गठजोड़ की संभावना तलाश रही है, तो कई पार्टियां अकेले ही मैदान बांटने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन पश्चिमी यूपी में सियासी गलियारों में उथल पुथल मची हुई है। सपा और आरएलडी के बीच सियासी घमासान और कुछ कहानी लिखने को बेताब है। ऐसे में बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में पहली बार 2017 में मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी के संजीव बालिया ने जीत हासिल की थी। मेयर सीट के लिए इस बार बीजेपी ने डॉक्टर अजय सिंह, बीएसपी ने खदीजा मसूद, सपा ने नूर मलिक और कांग्रेस ने प्रदीप वर्मा पर दांव लगाया है। हालांकि इन चारों पार्टियों की ओर से ये सभी नए चेहरे हैं। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह हैं, जो कि काफी समय से आरएसएस से जुड़े रहे। इसके अलावा डॉक्टर अजय सिंह शहर के जाने माने डॉक्टर, समाज सेवी और साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर अजय पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो वहीं बीएसपी ने खदीजा मसूद को मेयर के तौर पर अपना प्रत्याशी बनाया है। खदीजा मसूद इमरान मसूद की समधन होने के साथ साथ पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय काजी रशीद मसूद के बेटे शादान की पत्नी भी हैं। खदीजा मसूद भी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। खदीजा मसूद को देखा जाए तो इमरान मसूद ही उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं, क्योंकि इमरान मसूद जहां एक वरिष्ठ नेता हैं, तो वहीं सहारनपुर में उनका कद तमाम नेताओं से अलग हटकर है। क्योंकि सहारनपुर में जब नगर पालिका थी तब इमरान मसूद यहाँ चेयरमैन भी रहे थे। सपा की बात की जाए तो सपा ने नूर मलिक पर दांव खेला है। नूर मलिक भी शहर के लोगों के लिए नए चेहरे हैं। हालांकि नूर मलिक सहारनपुर देहात से मौजूदा विधायक अंशु मलिक के छोटे भाई हैं। अब चूंकि सहारनपुर नगर निगम का कुछ हिस्सा अंशु मलिक की विधानसभा में भी आता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं नूर मलिक को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने मेयर प्रत्याशी के तौर पर अपना भरोसा प्रदीप वर्मा पर जताया है। प्रदीप वर्मा की बात करें तो पढ़े लिखे प्रत्याशी जरूर हैं, मगर पब्लिक में भी एक नया चेहरा है, क्योंकि प्रदीप वर्मा भी पहली बार किसी चुनाव मैदान में उतरे हैं। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप वर्मा को कम नहीं आका जा सकता, क्योंकि एक समय में कांग्रेस का खासा दबदबा हुआ करता था। कुल मिलाकर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब बात करते हैं जातीय आंकड़ों की, तो दो पार्टियों ने गुर्जर समाज के लोगों को टिकट दिया है, जिसमें बीजेपी के डॉक्टर अजय सिंह और कांग्रेस के प्रदीप वर्मा शामिल हैं। तो वहीं बीएसपी ने जाट प्रत्याशी खदीजा मसूद पर दांव खेला है। तो वहीं सपा ने प्रत्याशी नूर मलिक, जो कि तेली जाति से आते हैं, उनको चुनाव मैदान में खड़ा किया है। सहारनपुर में समीकरण को समझा जाए तो बीजेपी के पास एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी का पर्सनल वोट बैंक है, जिसमें पंजाबी, वैश्य, जैन, ठाकुर, ब्राह्मण, गुर्जर, सैनी समेत कई जातियां शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर बसपा ने इमरान मसूद की समधन खदीजा मसूद पर दांव खेला है। खदीजा मसूद जहां जाट बिरादरी से हैं, तो वहीं बीएसपी का अपना वोट बैंक भी है, जिसका लाभ बीएसपी प्रत्याशी को मिल सकता है। हालांकि इस बार चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को बाय बाय बोलकर बसपा में एंट्री की है। मुस्लिम समाज ने इमरान मसूद की एक अच्छी खासी पैठ है। साथ ही नगर निगम में शामिल हुए नए 32 गांवों में ज्यादातर वोट बैंक दलित बाहुल है, और कहीं ना कहीं बीएसपी का पलड़ा भारी करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसपी और बीजेपी दोनों में ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि सत्ता पक्ष बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए इनी चोटी का जोड़ लगाना पड़ सकता है, वहीं बीएसपी में अभी हाल ही में एंट्री करने वाले इमरान मसूद को भी अपनी साख के लिए चुनाव जीतना पड़ेगा। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछला चुनाव जो था उसमें भी मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच रहा था, जिसमें महज 1986 वोटों से बीजेपी ने बाजी मारी थी। फिलहाल प्रदेश में गर्मी का माहौल है। गली बाजारों और सत्ता के गलियारों में भी अभी निकाय चुनाव की गर्मी है। निकाय के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।